तो आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला में कुमारी शैलजा पहुंची, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मानित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने इसके बाद आपको सुनाते हैं। और इस उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी पूरे साल कार्यक्रम करेगी, इन पीढ़ियों को, जो वर्तमान पीढ़ी है उनको, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे पूर्वज थे, उनकी लड़ाई, जो आज़ादी की लड़ाई रही, उन्होंने जिस निष्ठा से ये लड़ाई लड़ी, अपने देश के लिए कुर्बान हुए, अनेकों कुर्बानियाँ दी, उनको याद करते हुए आज जो अपनी आज़ादी की हमने लड़ाई दोबारा से लड़ने की, हमारे नागरिकों की, भारतीयता की, हमारे लोकतंत्र की, वो लड़ाई लड़ने के लिए अब सब फिर को सबको तैयार होना है दोबारा से अपने लोकतंत्र के लिए। पूरा साल कांग्रेस पार्टी ये बनाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का या इनकी संस्थाओं का देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा, और आज भी इनके इस तिरंगे के प्रति कितनी निष्ठा है, ये आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि आज के दिन भी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर ये तिरंगा नहीं फहराते। तो ये हर चीज़ पर ये राजनीति करते हैं। आज हमारा किसान सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सबसे अच्छा बड़ा तोहफा अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कल लाल किले से दे सकते हैं तो वो यही देंगे कि ये तीनों काले कृषि कानून वो वापस लें, कल वो ऐलान करें लाल किले से, तभी हम समझेंगे कि ये तिरंगे के, हमारे अन्नदाता की, हमारे गरीब मजदूर की इज्जत ये तभी कर सकेंगे, तभी हम ये इस बात को हम मानेंगे। विपक्षी पार्टी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी मुद्दों को उठाएं, लेकिन ये नहीं चाहते कि असली मुद्दे उठाए जाएं, इनकी असलियत सामने आए, ये बेनकाब हों, चाहे पेगासस की बात थी, चाहे किसानों की बात थी, चाहे बढ़ती महंगाई की बात थी, अनेकों मुद्दे थे जिन पर डिस्कशन पहले होना चाहिए था, लेकिन ये सरकार इन बातों में विश्वास नहीं रखती। जो संसद में बिलों पर चर्चा होनी चाहिए, सिलेक्ट कमेटी में जाने चाहिए, उस पर इनका कोई विश्वास नहीं है। ये केवल तानाशाही ढंग से देश को चलाना चाहते हैं। गांधी जी ने जब गरीबों की आवाज़ को उठाया, उनको न्याय देने की बात की, तो उनका ट्विटर अकाउंट बंद किया गया। जब वो जनहित की बात करते हैं, जो सुनने की उनकी आदत नहीं है, तो ये अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए ट्विटर से राहुल गांधी जी का और अन्य कांग्रेस जनों का, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट बंद करवाते हैं। लेकिन हमारा पूरी तरह से भारत के लोगों पर विश्वास है, समय आएगा ये देश खड़ा हो, बल्कि दूसरी पार्टियों ने भी, विपक्ष की पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया, हमने हमेशा इन बातों को उठाया है, और कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, बार बार इस मुद्दे को सड़क पर लोगों के बीच में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, ज्ञापन दिए हैं। लेकिन ये सरकार, क्योंकि इसका लोकतंत्र में या दूसरों की बातें सुनने में विश्वास नहीं है, आम जनता की पीड़ा सुनने में विश्वास नहीं है, यहाँ पर इस देश में बात चलती है तो केवल एक व्यक्ति के मन की बात चलती है। राज्य सरकारें हैं, कोई कार्य हो नहीं रहा। हरियाणा में आप देख रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, नई नई घोषणाएं होती हैं, लेकिन आज तक किसी भी घोषणा पर कोई कार्य नहीं हुआ, ये सरकार के अपने लोग बताते हैं। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि हरियाणा में, देश में